वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डी फार्म सेकंड ईयर में जो हमारा सब्जेक्ट है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, उसमें हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे और आज चैप्टर नंबर 10 से पार्ट 3 होने जा रहा है जो कि है प्रोक्योरमेंट के बारे में, इन्वेंट्री कंट्रोल और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में आज इस लेक्चर में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल फार्मेसी इंडिया लाइव पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9389516306, इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद आप हमें कैपिटल लेटर्स में टाइप कर भेज दीजिए डीपी इंडिया, आप तक लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स पहुंचते रहेंगे, चाहे वो आपकी अकेडमिक से रिलेटेड है या फिर वो आपके जॉब से रिलेटेड है। साथ ही साथ आप हमारी एप्लीकेशन यानी कि फार्मेसी इंडिया मोबाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट है क्या। एक्चुअली जो प्रोक्योरमेंट होता है ये एक ऐसा प्रोसेस है, हमारी जो एक स्ट्रैटेजीज होती है कि जैसे हमें सामान खरीदना है या जो हमें सर्विसेज चाहिए या जो हमें काम करना है एक एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू, या जो एक कॉम्पिटेटिव बाइडिंग प्रोसेस होता है, बिडिंग प्रोसेस होता है जहां पर हम सामान को खरीदते हैं, तो उसमें हमारी जो एक प्रोसेस है ढूंढने का या उसको एग्री करने का, वो प्रोसेस कहलाता है प्रोक्योरमेंट। साथ ही साथ ये एक जो भी हमारे परचेसिंग डिसीजंस होते हैं उसके अंदर कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे डिलीवरी का आ जाता है या उसके लिए हैंडलिंग का आ जाता है, मार्जिनल बेनिफिट्स उसके अंदर आते हैं, फ्लक्चुएशन जो होता है प्राइसेस में उन सामान के, उन गुड्स के, तो उन सब चीजों को भी टैकल करने में मदद करता है। अब बात आती है कि एक्चुअल में प्रोक्योरमेंट है क्या, व्हाट इज प्रोक्योरमेंट। तो प्रोक्योरमेंट जो है बेसिकली ये हम कह सकते हैं कि एक ऐसी रेंज होती है जो एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं उसके अंदर जो इन्वॉल्व होता है, जैसे हमारा सामान है, जो सर्विसेज है, गुड्स और सर्विसेज, वो इसके अंदर आती है। हमारा एक पर्पस क्या है प्रोक्योरमेंट के लिए, इन जनरल प्रोक्योरमेंट में हम ये कह सकते हैं जो हमारी टीम होती है जिसको काम करना है किस चीज के लिए कि कॉम्पिटेटिवली वो एक चीजों को ऑब्टेन कर पाए, कैसे जो प्राइसिंग होती है हमारे सप्लाईज की वो ठीक से डिलीवर हो पा रही है या नहीं, उनकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है वो अच्छे से ऑब्टेन हो पाए, और साथ ही साथ जितनी भी कंपनियां होती हैं उन सबका जो प्रोक्योरमेंट है वो सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है। अब बात करते हैं हम कि प्रोक्योरमेंट जो है बेसिकली एक वाइटल बिजनेस है, हमारा एक वाइटल बिजनेस फंक्शन है, बहुत ही बड़ा बिजनेस फंक्शन कहलाता है। जो लोग इसको मैनेज कर लेते हैं एफिशिएंटली वो अपने बिजनेस को बहुत जल्दी ग्रो कर पाते हैं और उनको मदद मिलती है अपने बिजनेस को आगे ग्रो करने में। नेक्स्ट, इसके अंदर जो भी हमारी एक्टिविटीज की रेंज है वो ये इसमें इन्वॉल्व होती है, इसलिए जो हमारी गुड्स है या जो सर्विसेज है वो हम ऑब्टेन कर पा रहे हैं या नहीं, साथ ही साथ जैसे हमारी सोर्सिंग है या नेगोशिएशन होता है अपने टर्म्स को लेकर के, या जो हमारे परचेसिंग मेकिंग है, ट्रैकिंग है, कब कैसे सप्लाई होनी है, कैसे रिसीव हो रही है, उन सब चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए भी हेल्प करता है कौन, प्रोक्योरमेंट। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए, जो भी एक हम कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करते हैं या जो एक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होता है बेसिकली जो भी हमारे वीक स्पॉट्स होते हैं या इनएफिशिएंसीज होती है तो उनको इंप्रूव करने में बहुत मदद करता है, बहुत लाभदायक होता है कौन, प्रोक्योरमेंट। नेक्स्ट, जो टेक्नोलॉजीज है वो बेसिकली रिड्यूस करती है हमारी प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट को, और जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव होता है हमारा जहां पर हम एक ऑटोमेटिक या जो हम ट्रैकिंग करते हैं प्रोक्योरमेंट प्रोसेस की, तो वो भी जो है हमारी घट जाती है अगर हम टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं प्रोक्योरमेंट इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड्स एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में। प्रोक्योरमेंट को इस तरीके से डिफाइन किया गया, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर जो हमारी सर्विसेज होती हैं, जैसे कि हम सामान खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर से, या जो एक हमारे एजेंट्स होते हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या कोई एक पब्लिक सप्लायर हो, वहां से जो हम सामान खरीदते हैं वो सबकी जो परचेसिंग होती है वो एक जो प्रोसेस है वो हमारा प्रोक्योरमेंट कहलाता है। अगर हम मेडिसिन की परचेसिंग स्टार्ट कर दें एक कहां से, जहां से हम खरीदते हैं कुछ पॉलिसीज उसकी बन जाए, या फिर जो एक हम रिसीव कर रहे हैं या उसकी स्टॉकिंग होती है, जो पेमेंट होता है वो ही खत्म हो जाए, एंड्स विद रिसीविंग स्टॉकिंग एंड पेमेंट, जो लाइक हमने मेडिसिन खरीदी उसका अंत कहां होगा, पेमेंट करने के बाद होगा जब हमें वो मिल जाएगी। तो ये सब जो एक एप्लीकेशन हमारी जो स्पेशल स्किल्स इसके लिए चाहिए होती हैं वो सब प्रोक्योरमेंट में आती है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं रोल ऑफ परचेसिंग एजेंट इन ड्रग प्रोक्योरमेंट।
एक रोल क्या है परचेसिंग एजेंट का ड्रग प्रोक्योरमेंट में। सबसे पहला वो जो है परचेस ऑर्डर को इश्यू करता है, यानी कि वो भी परचेस ऑर्डर बनाएगा, उसके बाद परचेस ऑर्डर को मेंटेन करवाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर ऑर्डर डिले हो रहा है तो उससे बकायदा फॉलो अप लेगा कि भाई साहब मेरा ऑर्डर इस दिन आना था, अब तक आया क्यों नहीं है, देरी क्यों हो रही है इसमें, तो उन सब चीजों का फॉलो अप लेगा। और साथ ही साथ एक जो कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसीजर होता है उसको भी इनिशिएट करेगा, कौन, जो हमारा ये परचेसिंग एजेंट होता है। उसके बाद जो एक कोटेशन उसको चाहिए स्पेसिफाइड सोर्सेज से, उन सब चीजों को वो ऑब्टेन करता है, उन सब चीजों को लेता है। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट के सोर्सेज क्या क्या है। सबसे पहला जो एक डायरेक्ट परचेज करते हैं कहां से, मैन्युफैक्चरर से या फिर एक होलसेलर से, तो वो है एक सोर्स किसका, प्रोक्योरमेंट का। नेक्स्ट जो एक बिड होती है, चाहे वो एक मैन्युफैक्चरर से हुई है या होलसेलर से हुई है, तो वो भी प्रोक्योरमेंट का सोर्स कहलाता है। नेक्स्ट अगर किसी एक लोकल रिटेल फार्मेसी से सामान खरीदा जाए तो वो भी एक सोर्स है किसका, प्रोक्योरमेंट का। नेक्स्ट एक जो कॉन्ट्रैक्ट परचेज हमारा होता है, जहां पर हमारी एक अरेंजमेंट होते हैं मैन्युफैक्चरर के साथ, एग्रीमेंट होता है, वो भी हमारा सोर्स है किसका, प्रोक्योरमेंट का। नेक्स्ट है अगर एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट परचेज हुआ है किसके थ्रू, हॉस्पिटल के थ्रू अगर हमने खरीदा है, या एक कॉर्पोरेशन सेक्टर जो होता है, तो वो भी एक सोर्स है प्रोक्योरमेंट का। अब बात करते हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ड्रग प्रोक्योरमेंट, फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है ड्रग प्रोक्योरमेंट में। जो हमारे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं उनका कोलैबोरेशन होता है परचेजिंग एजेंट्स के साथ, तो उनकी कुछ ड्यूटीज बन जाती हैं। जैसे सबसे पहला वो एक लिस्ट बनाते हैं, मेंटेन अ लिस्ट ऑफ नेम्स, उनके एड्रेस और उनके टेलीफोन नंबर्स जो भी ड्रग मैन्युफैक्चरर्स के होते हैं, वो उसको प्रॉपर मेंटेन करके चलते हैं, चाहे वो होलसेलर हो या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हो। नेक्स्ट जो एक हमारा एक डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन हमें ड्रग्स का चाहिए उसको प्रिपेयर करेंगे, साथ साथ जो केमिकल्स और जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं उसको भी मेंटेन करेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये एक रिक्वेस्ट प्रिपेयर करते हैं परचेज फॉर्म की, कौन, जो फार्मासिस्ट होते हैं। लास्ट स्टेप क्या है, जो भी हमें एक मेमो रिसीव हो जाता है या अगर मेमो को रिटर्न करना है तो उसकी भी प्रिपरेशन फार्मासिस्ट करता है, तो ये रोल होता है फार्मासिस्ट का प्रोक्योरमेंट में। अब बात आती है मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट कि मेथड्स क्या क्या होते हैं प्रोक्योरमेंट के। तो सबसे पहला जो डायरेक्ट परचेज अगर हम मैन्युफैक्चरिंग से कर रहे हैं तो ये एक मेथड है प्रोक्योरमेंट का। नेक्स्ट अगर हमने डायरेक्ट परचेज करी है होलसेलर से या स्टॉकिस्ट से तो ये भी एक मेथड है किसका, प्रोक्योरमेंट का। नेक्स्ट अगर हम किसी रैंक जॉबर से हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है, परचेज कर रहे हैं किससे, रैंक जॉबर से, तो ये भी एक मेथड है। नेक्स्ट अगर हम बिड्स के थ्रू परचेज कर रहे हैं तो वो भी एक मेथड बन जाता है प्रोक्योरमेंट का। एक ओपन टेंडर होते हैं, जैसे अगर हम बात करें परचेजिंग थ्रू बिड्स, ओपन टेंडर होते हैं या रेस्ट्रिक्टेड टेंडर्स होते हैं या फिर एक कोटेशन इन्विटेशन जो होता है, तो ये भी एक मेथड है प्रोक्योरमेंट का। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें जो फिफ्थ स्टेप आता है, अगर हम किसी कॉम्पिटेटिव नेगोशिएशन के थ्रू अगर परचेस करते हैं तो ये भी प्रोक्योरमेंट का ही मेथड है। नेक्स्ट अगर हमने किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू परचेस खरीदा, सामान खरीदा है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, तो वो भी एक मेथड है प्रोक्योरमेंट का। जैसे एक फिक्स क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है या एक रनिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसी तरीके से एक रेट कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, तो ये सब हमारे मेथड्स हैं किसके, प्रोक्योरमेंट के। नेक्स्ट लोकल परचेज भी इसी में आता है, और साथ ही साथ जो एक हमारी हाउस मैन्युफैक्चरिंग होती है मेडिसिंस की हॉस्पिटल्स के लिए या हॉस्पिटल्स के अंदर, तो वो भी बेसिकली हमारा एक मेथड है प्रोक्योरमेंट का। अब बात करते हैं इन्वेंटरी कंट्रोल, अब तक हमने पढ़ा प्रोक्योरमेंट के बारे में। इन्वेंटरी कंट्रोल क्या कह रहा है, इन्वेंटरी कंट्रोल कहता है जो भी हमारे एक रेगुलेशंस बनाए जाते हैं स्टॉक के लिए या जो एक मटेरियल्स का फ्लो होता है और साथ ही साथ जो कंपोनेंट्स हैं वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली और इकोनॉमिकली हमारे लिए हमारे रिक्वायरमेंट्स को हमें मिल पा रहे हैं या नहीं, वो इन्वेंटरी कंट्रोल में आता है। यानी कि जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें पर्याप्त उसमें मिल रही है या नहीं, इफेक्टिव है या नहीं है, इकोनॉमिकली है या नहीं है, तो कहां से, जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है उसको प्रॉपर मीट उसकी हो पा रही है या नहीं, नीड्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पा रही है या नहीं। अगर हम बात करें ड्रग स्टोरेज मैनेजमेंट की, तो जो बेस है उसका प्रिंसिपल किस पे है, वो इन्वेंटरी कंट्रोल पे होता है। यानी जो ड्रग स्टोरेज मैनेजमेंट होता है उसका जो प्रिंसिपल है वो इन्वेंटरी कंट्रोल ही है। मींस जो मैनेजमेंट हो रहा है स्टोर्स का, या जो एक नॉन एप्लीकेबिलिटी है किसकी, साइंटिफिक या मॉडर्न टेक्निक्स की, तो वहां पर यह पाया जाता है कि जो एक जड़ है उनकी किस चीज की, मटेरियल के स्टोरेज को कॉज करने की, जहां पर एक हमारी मेजोरिटी होती है हॉस्पिटल की, वो इन्वेंटरी कंट्रोल की है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेंटरी कंट्रोल का, यानी कि सिद्धांत क्या कहता है, इसे पीछे करने का राज क्या है।
सबसे पहला आता है ड्रग की सप्लाई टाइम से हो जाए, सबसे बड़ा मेजर फैक्टर, ठीक है। साथ ही साथ जो एक इन्वेस्टमेंट होती है हमारी कहां पर, इन्वेंट्रीज में, और जो एक बेसिकली उसको वो रिड्यूस करता है, यानी कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन्वेंट्रीज में उसको कम करेगा, और साथ ही साथ एक इफेक्टिव यूज कैसे हो सकता है हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, जितना हमने इन्वेस्ट किया है उसे कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, वो कौन बताता है, इन्वेंट्री कंट्रोल। नेक्स्ट आता है जो हम एफर्ट्स लगाते हैं किस चीज में, एक हमारा जो गुड्स है एक मिनिमम प्राइस पे बिना बार्गेनिंग के उसकी क्वालिटी की बार्गेनिंग करे, एक अच्छे से बिक जाए, अच्छे से चल जाए, तो उसमें एफर्ट्स लगाने में मदद करता है इन्वेंटरी कंट्रोल। नेक्स्ट, ये जो हमारे स्टॉक होते हैं या जो शॉर्टेज होती है उसको बेसिकली अवॉइड करने में मदद करता है, और वेस्टेज भी नहीं होती है अगर हम इन्वेंटरी कंट्रोल को फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं टेक्निक्स क्या क्या होती है इन्वेंटरी कंट्रोल की, या जो मेथड्स हम एनालाइज करते हैं एक ड्रग एक्सपेंडिचर के लिए वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहला इसमें आता है एबीसी एनालिसिस, ऐसे ही वेद एनालिसिस आता है, फिर ईओक्यू होता है, ऐसे ही लीड टाइम होता है, नेक्स्ट आता है बफर स्टॉक। तो ये है हमारे बेसिकली जब एक एनालिसिस करते हैं हम किसका, ड्रग एक्सपेंडिचर का, किसके थ्रू, इन्वेंटरी कंट्रोल के थ्रू, एबीसी, वेद, ईओक्यू, लीड टाइम और बफर स्टॉक। अब बात करते हैं हम व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, ठीक है। सबसे पहला जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जैसे कि हमारे एक फर्स्ट कास्ट है खुद से ही मैनेज करने के लिए, तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग ही होती है, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग हर फेज में जरूरी होती है अगर कोई हम एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। साथ ही साथ इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि जब भी एक हमारा स्टार्टअप का जो पहला फेज होता है सबसे पहला वो फाइनेंशियल ही होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम प्लान को क्रिएट करते हैं, जब पैसा हमारे पास पर्याप्त होगा तो अच्छे से काम कर पाएंगे, लेकिन पैसा ही नहीं है तो दिक्कतें होंगी, काम हमारा ठीक से नहीं चल पाएगा, और साथ ही साथ एक कंपनी की क्या क्या रिसोर्सेस होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो भी तो फुलफिल पैसों से ही होंगी, फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग होंगी तभी तो होंगी। ऐसे ही जनरली स्पीकिंग अगर एक जॉब नॉर्मल बात करें तो ये कहा गया है कि जो एक हमारे नेक्स्ट 3 to 7 years हैं वहां पर ये बहुत अच्छे से इसके बारे में समझाने वाले हैं। जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस होती हैं वो एक फाइनेंशियल प्लानिंग और एक जो एनालिसिस टीम्स हैं वो सब रेस्पॉन्सिबल होंगी किसके लिए, एक फाइनेंशियल पार्टनर्स के लिए, वो सपोर्ट करेंगे और साथ ही साथ एक हम अचीव करेंगे एक ऑप्टिमम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमारी आएंगी कैसे, जब हम एक राइट स्ट्रेटेजीज अप्लाई करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए अगर हमारी स्ट्रेटेजीज अच्छी है तो फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी स्ट्रॉन्ग ही होगी। पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना चाहिए, वो सब हमारा इसके अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर ही आता है। फाइनेंशियल प्लानिंग को हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रोसेस है कि कैसे हम एक अपना गोल अचीव कर सकते हैं और साथ ही साथ एक पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमारा कैसे बन सकता है, रिलेशन कैसे मेंटेन हो सकता है, वो भी हमारा इसी के अंदर आता है। अब नेसेसिटी क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग मैनेजमेंट के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं फाइनेंशियल प्लानिंग मैनेजमेंट की, तो सबसे पहला हम ये कह सकते हैं कि जो एक फाइनेंशियल प्लानिंग है उसके अंदर हमें कोई एसर्च इक्वल अटेंशन नहीं चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन से। साथ ही साथ ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर भी है किसका, कि कैसे वो एक अच्छे से सक्सेस कर पा रहा है, कैसे सफलता उसको मिल पा रही है, और जो हमारी एक नंबर ऑफ कंक्रीट एलिमेंट्स हैं जहां पर एक क्रूशियल फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो क्या क्या है, जैसे एक ऑप्टिमल अमाउंट है हमारे कैपिटल का वो हमें मेंटेन करना है। जैसे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो सब ये चाहती हैं कि जो उनकी रिसोर्सेज है उनकी कमी ना हो, और साथ ही साथ जो भी उनके एक बिजनेस को बढ़ाने के लिए ऑपरेशंस होते हैं वो सस्पेंड ना हो, और साथ ही साथ इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं उनकी दुकान पर या उनकी कंपनी पे ताला ना लगे, कंपनी बंद ना हो जाए अगर उनकी एक ऑप्टिमल अमाउंट नहीं होगी कैपिटल की, तो इस चीज से बचने के लिए भी करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, कितने टाइप्स की हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो कंपनीज हैं जिनकी एक डिफरेंट टाइप्स की कैपिटल होती है, जैसे एक डिफरेंट कैपिटल प्रोवाइडर्स होते हैं उनके थ्रू। हम बात करें जितने भी हमारे एक इंस्टेंस कुछ लोन ले लेते हैं लोग, अपना काम करते हैं लोग, लोन लेके अगर शॉर्ट टर्म में होता है, लेकिन अगर कुछ हमारे फंड्स ऐसे हमें मीडियम या एक लॉन्ग टर्म के लिए मिल जाए तो फायदा हो जाता है। लॉन्ग टर्म फंड जो होते हैं बेसिकली वो भी बहुत कम ही अवेलेबल होते हैं एक शेयर होल्डर्स के द्वारा। अल्टरनेटिवली जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो जो है बहुत एक शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स को ही अप्रोच करते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रस्ट इन इन्वेस्टर्स, ठीक है। एक कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म भी होना चाहिए, रिलेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए कि जो एक ट्रस्ट हमारा है इन्वेस्टर के ऊपर वो अच्छे से स्ट्रांगली होना चाहिए। इन्वेस्टर का एक जिसके ऊपर वो इन्वेस्ट कर रहा है उसके ऊपर होना चाहिए, और जिसने इन्वेस्ट करवाया है अपनी कंपनी में उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, तभी एक फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी हो पाती है। नेक्स्ट, लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर,
एक जो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग है, प्रेजेंट में हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कैसे करना है, क्यों करना है, उसके बारे में हमारी प्लानिंग जरूरी है, और फ्यूचर में क्या करना है, क्या बेनिफिट हमें चाहिए, क्या क्या हमें स्पेंड करना है, उन सब चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी एक अच्छे से काम चल पाता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स कि एक इंपॉर्टेंट टूल होता है, या इसे आप डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं, जिसमें कि एक इंटरेस्ट आता है हमारे इन्वेस्टर्स का, जहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं, और एक एनुअल अकाउंट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है पूरे साल में क्या हुआ। नेक्स्ट, कुछ कंडीशंस या कुछ जो हमारी बैलेंस शीट्स होती हैं उनके अंदर हमारा इनकम स्टेटमेंट भी होता है, कैश फ्लो कितना हुआ वो भी स्टेटमेंट होता है, और जो एनुअल अकाउंट्स हैं हमारे वो चेक होते हैं, कैसे, स्पेशली अपॉइंटेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं और अकाउंटेंट्स होते हैं जो चेक करते हैं कि काम ठीक से हुआ है या नहीं। एनुअल अकाउंट जो है ये रिफ्लेक्ट करता है कि फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस जो है हमारे बिजनेस को लेकर के, जो ट्रांजेक्शंस हुई है, इवेंट्स हुए हैं, वो ठीक रहे हैं या नहीं, कोई पैसा हमारा वेस्ट तो नहीं हुआ। इनफैक्ट जो एक हमारे एक्सीलेंट सोर्स है किस चीज का, जो एक इंस्पिरेशन हमारे होते हैं, वो बहुत अच्छे होने चाहिए, और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का, वो भी यही होता है। नेक्स्ट, ऐसे बहुत सारे हमारे स्टेटमेंट्स हैं जो बहुत कॉमन होती हैं थ्रू आउट एनी ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी के मैक्सिमम जो ये स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत कॉमन हो जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सबका काम सेम होता है। अगर मेडिसिन डिपार्टमेंट है किसी का, कोई मेडिसिन कंपनी चला रहा है, एक कंपनी एबीसी है, एक कंपनी DEF है, और एक कंपनी XYZ है, तो ये मे भी हो सकता है कि उनकी जो ट्रांजेक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम हुई हो, या जो एक बजट उनका खर्च हुआ था वो सेम हो सकता है, तो ये सब चीजें डिपेंड कर जाती है। तो इस लेक्चर में आपने बखूबी पढ़ा कि प्रोक्योरमेंट क्या होता है, इन्वेंटरी कंट्रोल क्या होता है, और फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, आपको समझ आया होगा। इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ।